नमस्कार न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सिंगरौली जिले में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक वाहन पकड़ाया, इससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। सिवनी जिले के लखनादून जनपद में जा मलमल पंचायत के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, पंचायत पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। नगर परिषद नसरुल्लागंज के अटल उद्यान में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सिंगरौली जिले के चितरंगी थाना क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक वाहन पकड़ाया, पुलिस की कार्यवाही के बाद रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी वीरेंद्र झा के नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए अवैध रेत परिवहन करते हुए धरोली सोन नदी के पास एक वाहन पकड़ाया, जिसके बाद में थाना परिसर में खड़ा करवाया गया। इस कार्यवाही से रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया। इस कार्यवाही पर एसपी रियाज इकबाल ने एसआई मनोज चौहान, आरक्षक विक्रांत बानिया, अरविंदर सिंह, मोहर सिंह, निरंजन सहित थाना प्रभारी वीरेंद्र झा की सराहना की। सिंगरौली से इमृत कुमार की रिपोर्ट। आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि अवैध रूप से रेत का परिवहन करती हुई कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, जिस पर पुलिस की टीम द्वारा कार्रवाई की गई और जो टाटा 460 टिपर है उसको अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया, जिसके ऊपर अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना मिली। सिवनी में 20 अगस्त को ग्राम फुलारा से छात्र रानू नागोत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स कॉलेज आई थी। बीएससी प्रथम वर्ष की छात्रा के पीछे उसी गांव के अनिल मिश्रा भी आया और पुराने छेड़छाड़ के मामले को वापस लेने की दबाव बनाया। इस दौरान विवाद के चलते अनिल ने छात्रा के सिर पर पत्थर से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद आरक्षक वकील खान ने युवक को धर दबोचा है और छात्रा को तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी मौत हो गई। इसी मामले को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रानी दुर्गावती चौक एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली। इस दौरान नारेबाजी करते हुए रानू के हत्यारे को फांसी की सजा देने की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंप कर कहा कि यदि एक सप्ताह में कार्यवाही नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। लखनादौन से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। सर, आज का जो ज्ञापन है उसमें जो सिवनी में रानू नागोत्रा की पत्थर से अनिल मिश्रा द्वारा जो हत्या की गई है, उस हत्या को लेकर और दूसरा आदिवासी सामाजिक अधिकारों को लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है सर। 17 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 दिवस के अंदर अगर ये तुरंत इसमें निराकरण नहीं किया जाता है तो मौन आंदोलन करेगा सर सर्व आदिवासी समाज लखनादौन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी लखनादौन, और वो आरोपी को सर फांसी की सजा होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन अनिश्चितकालीन मौन आंदोलन करेंगे। सिवनी जिले के लखनादौन जनपद में जा मलमल पंचायत के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम अंकुर मेश्राम को ज्ञापन सौंपा गया। इस पर एसडीएम ने तत्काल जनपद सीईओ को बुलाकर मामले की जानकारी देते हुए उचित कार्यवाही करने की बात कही। ग्राम पंचायत जा मलमल के ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत के सरपंच व सचिव द्वारा ग्राम सभा का आयोजन नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकारी योजनाओं के बारे में भी नहीं बताया जाता है, इस कारण कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएम आवास और शौचालय निर्माण सहित अन्य योजनाओं का लाभ देने की रिश्वत मांगी जाती है। लखनादौन से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। आज ग्राम पंचायत झामरमाल के सचिव और रोजगार सहायक नीरज भारद्वाज के अलग अलग समय पर की गई अनियमितताओं के संबंध में ये ग्रामवासी यहाँ पर उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, जिसमें उनकी मुख्यतः शिकायतें ये हैं कि ग्राम पंचायत झामरमाल में 2016 में स्वीकृत शौचालय उनका निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त निकलने में भी समस्या हो रही है, जिसमें अवैध वसूली की जा चुकी है पहले भी और अभी भी की जा रही है। इसके अलावा 2014 के रोजगार गारंटी योजना के तहत तालाब निर्माण का मजदूरी भुगतान आज दिनांक तक के शेष है। इस प्रकार इन्होंने जो मूलतः शिकायत लगाई है झामरमाल के ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध लगाई है, ये जानकारी जो है मेरे संज्ञान में इन्होंने आज लाई है, तो इसको मैं अपने यहाँ व्यक्तिगत मेरे न्यायालय में प्रकरण कायम करके इसमें संबंधित जो जिला जनपद पंचायत सीईओ है उनका मत लेकर और संबंधित जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनका पक्ष लेकर इन पर इनकी वैधानिक कार्रवाई करने की जाएगी। नगर परिषद नसरुल्लागंज ने अटल उद्यान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष अनीता राजेश लखेरा ने अपने संबोधन में वाजपेयी जी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों के बारे में बताया। इस दौरान अटल जी की स्मृति में अटल उद्यान नसरुल्लागंज में अटल जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर परिषद उपाध्यक्ष राजेश पवार, मंडल महामंत्री राजेश लखेरा सहित पार्षद एवं परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट।
नसरुल्लागंज तहसील के ग्राम लाड़कुई के हाई सेकेंडरी स्कूल में ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी सहित अन्य त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सभी शांति के साथ त्योहार मनाने का आश्वासन दिया। बैठक में एसडीएम राजेश शुक्ला, तहसीलदार पीसी पांडे, एसडीओपी प्रकाश मिश्रा, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह, सीओ जितेंद्र ठाकरे, चौकी प्रभारी राकेश सिसोदिया सहित समाज सेवी जनप्रतिनिधि व ग्रामीण जन उपस्थित थे। इस दौरान सभी ने शांति के साथ त्योहार मनाने का आश्वासन दिया। सीईओ जितेंद्र ठाकरे ने गांव में साफ सफाई के संबंध में पंचायत दिशा निर्देश दिए। इस दौरान ग्रामीणों ने अफसरों को अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया। नसरुल्लागंज से अमित शर्मा की रिपोर्ट। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।